सीपी प्लस के डीवीआर के अंदर आप उसकी रिकॉर्डिंग किस तरह से निकाल सकते हैं मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दिखा दूंगा। तो आपका जो डीवीआर है सीपी प्लस का, उसके पीछे यूएसबी पेन ड्राइव लगा दीजिए। लगाने के बाद में आगे का प्रोसेस हम चलिए देखते हैं डेस्कटॉप की तरफ, प्लेबैक किस तरह से निकालते हैं पेन ड्राइव के अंदर। तो सिंपली जो डिवाइस है, डिवाइस के पीछे पेन ड्राइव लगा देंगे। तो पेन ड्राइव लगाने पर यहाँ पर हम लोग चले जाते हैं मॉनिटर में। मॉनिटर में चले जाने के बाद में मेन्यू में चले जाते हैं। मेन्यू में चले जाने के बाद में आपको जाना है वीडियो में। वीडियो में चले जाने के बाद आपको यहाँ पे जो है प्लेबैक, यहाँ पे बैकअप। तो सिंपली हमें यहाँ पे बैकअप में चले जाना है। बैकअप में चले जाते ही यहाँ पे आपका जो पेन ड्राइव आपने लगाया है तो यहाँ पे आपका नाम शो कर रहा है। तो यहाँ से फ्यूचर को ब्राउज कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से जो है एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं। नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा रहेगा न्यू फोल्डर, यहाँ पर हम लोग नाम दे देते हैं सीपी प्लस। तो यहाँ से एंटर कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद में यहाँ पे आपको सिंपली नाम दिख रहा है, उस नाम को सिलेक्ट करके यहाँ से आपको सिंपली ओके कर देना है। ओके करते ही यहाँ पे आपका सीपी प्लस आ जाएगा। तो सीपी प्लस आने के बाद में हमें सिंपली यहाँ पे जो है कैमरा नंबर सिलेक्ट करना है कि आपका जो कैमरा नंबर है कौन से नंबर पे आपका जो रिकॉर्डिंग है वो चैनल आपको सिलेक्ट करना है। तो मेरा जो रिकॉर्डिंग चैनल है वो 4 नंबर है, तो यहाँ से मैं 4 कर देता हूँ, उसको ऑल कर देता हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ से टाइम दे देते हैं 16:11। तो मुझे 12 बजे से ले कर 12:10 तक एक रिकॉर्डिंग चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जो है 16 यहाँ से जो है आप अपना डेट डाल दीजिए, कहाँ से आपको कहाँ तक रिकॉर्डिंग चाहिए। तो यहाँ से सिंपली आप जो फाइल फॉर्मेट है DEVI सेलेक्ट करके यहाँ से सर्च कर दीजिए। तो सिंपली यहाँ से सर्च करने के बाद में आपको 10 मिनट की रिकॉर्डिंग है वो आ जाएगी। ये जो ऑप्शन दिया है इसको अगर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर माउस का राइट क्लिक करेंगे तो हम बैक आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको बैकअप दिया है। सिंपली बैकअप करने पर यहाँ पे जो है हमारा पे USB में ट्रांसफ़र हो रहा है बैकअप, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही हमारा बैकअप ख़त्म होता है तो हम लोग जो पेन ड्राइव है उसको अपने मोबाइल में या अपने जो डेस्कटॉप है या लैपटॉप है उसमें लगा के देख लेंगे कि रिकॉर्डिंग प्रॉपरली आई है या नहीं। यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो कॉपी हो चुकी है। तो यहाँ से सिंपली ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद में जो पेन ड्राइव है उसको निकाल लेते हैं। तो उसको प्ले करके देख लेते हैं अपने मॉनिटर और डेस्कटॉप पे या मोबाइल में।